ओम शांति। आज दशहरा है, लोग राम को भी याद कर रहे हैं और रावण को भी याद कर रहे हैं, बल्कि रावण को ज्यादा याद कर रहे हैं। जो सबके परम पिता हैं राम, उनसे यदि हमारा बुद्धि योग लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। श्री राम ने हमें जीवन के सभी मूल्यों का सच्चा ज्ञान दिया प्रैक्टिकल करके, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। हम उनके जीवन से आज कुछ प्रेरणा लें, कोई भी एक अच्छी बात उनके जीवन से सीख लें। कैसे वो आज्ञाकारी थे, बड़ों का सम्मान करते थे, खुद महान होते, संपूर्ण ज्ञानी होते भी ये दिखाते नहीं थे कि मुझे सब कुछ ज्ञात है, संपूर्ण निरहंकारी, क्रोध मुक्त, बहुत शालीन, नम्र चित, बहुत वीर, कूटनीतिज्ञ। हम उनसे कुछ सीखते हैं। तो आज रावण दहन भी होगा, इसको विजय दशमी भी कहते हैं। रावण वास्तव में 10 विकारों का प्रतीक है। 5 विकार स्त्री के, 5 पुरुष के। प्रवृत्ति में रहते मनुष्य जब इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो ये उसके लिए सच्ची विजय होती है। 10 विकारों पर विजय, विजय की जय जयकार उसके अंदर होने लगती है। देखिए, रावण को बहुत बुद्धिमान भी दिखाया, चारों वेदों का ज्ञाता, बहुत बड़ा शिव भक्त, परंतु असुर कहा गया उसको, क्योंकि उसमें मनोविकार बहुत दिखाए गए, बहुत अहंकार और क्रोध दिखाया गया है, लालसाएं बहुत दिखाई गई हैं। हम भी यदि बहुत बड़े विद्वान बन जाएं, बहुत एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन हम अहंकार को न छोड़ पाएं, क्रोध पर हमारा विजय न हो, नम्रता हमारा श्रृंगार न बने, तो हम कोई अच्छे मानव नहीं बन सकते। इसलिए आज हमें इन 10 विकारों पर, जो 5 विकार पुरुष में हैं, उन पर विजय प्राप्त करनी है। 10 विकारों की भी हम गिनती कर सकते हैं जो हर मनुष्य में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकारों के साथ ईर्ष्या द्वेष, नफरत, नफरत और घृणा, वैर भाव, आलस और अलबेलापन, ये 10 विकार मनुष्य के महान शत्रु हैं। तो आज जब रावण दहन हो, आप विचार करना, हम बाहर के रावण को तो जला रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो रावण बैठा है उसको भी तो जलाना है। बहुत अच्छी कथा आई थी, जब रावण को जलाने जा रहे हैं तो लोग ही जलाते हैं, कोई पंडित जलाएगा, कोई भक्त जलाएगा, या समिति का अध्यक्ष जलाएगा। तो रावण पूछ रहा है, भाई तुम ये तो बताओ, मैं तो रावण हूं, पर तुम में से राम कौन है जो मुझे जलाएगा आज? तो क्या आज के इस श्रेष्ठ दिवस पर हम राम जैसा बनने का संकल्प लेंगे? क्योंकि रावण तो घर घर में आ गया है, हम सबको राम समान बनना होगा, तब हम अंदर के रावण को जला सकेंगे। नहीं तो हमारी सोने की लंका भी जल जाएगी, यानी हमारी धन संपदा, हमारी सुख शांति, ये सब जल जाएगी। ये भी तो हमारे खजाने हैं ना, असली सोना तो यही है। तो आज हम अपने जीवन से किसी एक बुराई का दहन अवश्य करेंगे। आप सब विचार कर लें, आप में अभिमान हो उसका दहन कर दें आज, आप में क्रोध हो उसका दहन कर दें, आप में धन की बहुत लालसा हो उसका दहन कर दें, आप दूसरे के धन पर कटु नजर रखते हो उसको जला दें आज। दूसरे के धन से आपके बच्चे सुखी नहीं हो पाएंगे, आप सुखी नहीं हो पाएंगे। मैं आपको कहानी याद दिला दूं, सुदामा ने श्री कृष्ण का हिस्सा खा लिया था, जरा सा दरिद्रता से गुजरना पड़ा पूरा जीवन। हम दूसरों के हिस्सा खाकर
धनवान बनना चाहने के स्वप्न देखते हो, बिल्कुल अज्ञान है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई, अपने भाग्य की कमाई ही सुखदाई है। हम दूसरे की कमाई पर नजर बिल्कुल न रखें। कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि के पुतले भी जलाए जाते हैं। कुंभकर्ण तो आप जानते हैं, बहुत बड़े आलस की पहचान है। आलस भी मनुष्य को महान नहीं बनने देता, सफल नहीं होने देता। मेघनाथ को अहंकार का प्रतीक दिखाया जाता है। अहंकार को हमें विदाई देनी है। आज संसार में काम वासना की आंधी चल रही है और यही विकार सभी को दुखी किए हुए है। इसी विकार के कारण कोर्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी विकार के कारण समाज से मानवता नष्ट होती जा रही है। अनेक बुराइयां व्याप्त हो गई हैं इस विकार के कारण। हम इस काम अग्नि को, जिसमें मनुष्य जल रहा है, योग अग्नि से जलाएंगे। योग अग्नि क्या है? भगवान से अपना नाता जोड़ना है। तो यही कि राम ने रावण का संहार किया। राम का अवतार ही रावण वध और राक्षसों के वध के लिए हुआ था। तो इस समय जो राम है, परमपिता है, वो भी अवतरित हुए हैं और हम सबको सत्य ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान को बाण भी कहा जाता है। ज्ञान के बाणों से हम रावण को मारेंगे। हम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करें तो आपकी बुद्धि के तर्कस में बहुत सारे ज्ञान के बाण भरे जाएंगे। और जब जब आपके पास परेशानियां होंगी, समस्याएं होंगी, डर होगा, चिंताएं होंगी, टेंशन होगा, आप ज्ञान के बाण यूज करके उससे स्वयं को मुक्त कर सकेंगे। राजयोग अर्थात जो परमपिता है, जिसको राम भी कहते हैं, जो ज्योति स्वरूप है, उससे जब हमारी बुद्धि लगेगी तो उसकी शक्तियां हमें मिलेंगी और हम में शक्तियां आएंगी इन मनोविकारों को जीतने के लिए। तो संकल्प करें बस कि रावण शत्रु है। वहां दिखाया केवल राम का शत्रु था, लेकिन रावण तो हम सबका शत्रु है। ये हमारे अंदर बैठकर हमारी शांति को, हमारी खुशी को, हमारे संबंधों को कड़वा करता है, शांति को, खुशी को नष्ट करता है। तो हम परमपिता से योग करेंगे तो हमें ताकत आएगी इन सभी मनोविकारों को जीतने की, अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल करने की। और तब हम विजय दशमी मनाएंगे सच्ची। हमारा जीवन खुशियों का भंडार बन जाएगा। तो इस सुंदर त्योहार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आज किसी एक मनोविकार को संपूर्ण रूप से छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लें। ओम शांति।